हराम जादी रोज है कल्ला काम ये कल यारे बोल और ऊंची आवाज से बात करेगी शेर गिरधारी लाल जैसा कमीना आदमी कहीं नहीं होगा तो रहे। लेकिन तू तो सारी दुनिया में रहेगी कमीने नीच कुत्ता कहीं के अब मेरे पास क्या रह गया है मेरे भाई आएंगे तुम अपने भाई से क्या जब तू भैया से बता ले के कभी नहीं रह जाओगे अगर तू सारी दुनिया में जिंदा रहेगी तो जा करके तू हमारे नाम के थाने में FIR कराओगी आप तेरी कहानी है संकल्प कर देता हूं ना सारी तू रहेगी ना तू हमारे यहां तब जा करके थाने में हमारे नाम से FIR कराएगी बोल और भाग कितने भाग साली गई आप सोचता हो कि मामला फंस जाएगा जंगलपुर जाकर के थाने में FIR कराऊंगा कि मोहन जो अपनी बहन राधा को खून कर दिया है और मैं आज भाग अंबर में नकलियों में
खुशबू है मेरे यार का, अरे जो खुशबू है मेरे यार का, नबी के पसीने साथियों। अरे भी थोड़ा लेट हो गया हूं, मेरी बहन मेरी रास्ता को देखती होगी कि भैया आएगा, आज वादा करके गया है, खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर व्यवस्था करके आएगा। चल रहा हूं, आज दिन भर की मेहनत मजदूरी का जो भी पैसा मिला है मैंने सारा सामान खरीद लिया है। मेरी बहन बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी, मालिक तेरा ही सहारा है। या मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूं, मेरे झोपड़ी में सनसनाहट की आवाज आ रही है, न जाने क्या होने वाला है। मालिक ये तो तू ही बता सकता है, आवाज देता हूं, आवाज सुनकर मेरी बहन जरूर आएगी। अरे ओ बहन राधा, बहन राधा, या मालिक आज मैं क्या देख रहा हूं, एक आवाज के मारे बहन मेरे गले से लिपट जाया करती थी, आज इतनी आवाज देने के बावजूद भी बहन मेरे पास नहीं आना चाहती है, आखिर बात क्या है, चल करके पता लगाता हूं। मालिक तेरा ही सहारा है। वारे बहन, आज इतना तू गहरी नींद में सो गई है कि इतनी बड़ी आवाज देने के बावजूद भी तू नहीं उठना चाहती है, और इतनी छोटी सी भूल के लिए तू मुझसे रुक गई हो। अरे बहन, मेहनत मजदूरी करने का मतलब होता है कि मेहनत मजदूरी किस तरीके से की जाती है, समय से नहीं छुट्टी मिली, थोड़ा आने में लेट हो गया, तू नाराज हो गई। उठो बहन, उठो। राधा बहन देख, तेरे लिए सारा सामान लेकर के आया हूँ बहन, आज तू सामान को देखेगी तो खुश हो जाएगी बहन। आगे तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन बहन? उठो बहन, उठो बहन राधा, उठो। अरे बहन, आज तू मुझसे इतना नाराज होकर के सो रही है कि तू अपने भाई के ऊपर तरीक भी नहीं तरफ खा रही है। ठीक है बहन, अगर तू रूठना जानती है तो तेरा भाई मोहन मनाना भी जानता है, आज तुझे मैं अपने हाथों से उठाऊंगा बहन, देखता हूं कि तू कहते नहीं उठती है। अरे सेठ गिरधारी लाल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था सेठ,
तूने मेरी बहन की जान ले लिया। कर्ज था मुझसे बताया होता सेठ गिरदारी लाल, मैं तेरा एक एक पाई का चुकता हिसाब कर देता सेठ गिरधारी लाल। बहन आज तो मुझे छोड़कर चली गई, बहन तेरा ही सहारा था। इस दुनिया में जीने से ज्यादा बेहतर है कि ऊपर वाले तू मेरी मौत दे दे। या मालिक, कहाँ जाऊँ परमात्मा, कैसे कफन दफन करूँ मालिक, तू मेरी गरीबी की कैसी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले। चल बसी मेरी बहना, अरे चल बसी मेरी बहना, मुझे छोड़ कर चल बसी। चल बसी मेरी बहना, अरे मुझे छोड़ कर चल बसी मेरी बहना, अरे मुझे छोड़ कर। मुरली वाले बता दे, मुरली वाले बता दे, मैं जाऊं किधर। इस लाचार का सहारा तू है परमात्मा, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मालिक, मेरा कोई नहीं है। लल्लू भैया, मेरे भाई, एक बहन का सहारा था, आज मालिक ने उसे भी छीन लिया। आ भैया, थोड़ा हाथ लगाओ भाई, बहन का अंतिम दाह संस्कार कर सको। अच्छी बात है भैया। या मालिक, इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर तू मेरी मौत दे दे प्रभु। पिंजड़ा के छोड़ी उड़ी है, पिंजड़ा के छोड़ी उड़ी है, अरे जे दिन सुगनवा माया की नगरी सपना हुई जाई। माया पिंजड़ा के छोड़ी उड़ी जे दिन सुगना माया, साहब साहब यही मोहन है, अपने बहन का खून करके अपने बहन की लाश को एक छुपाना चाहता था। क्या कहा? हाँ साहब, यही मोहन है। यही वो कबीला नीच मोहन है। हाँ, जिसने अपनी बहन को मारकर लाश लेकर भगा जा रहा था। हाँ साहब, यही देखिए साहब, यही मोहन है। अच्छा मैं चल रहा हूँ। चलो चलो तुम चलो। लेकिन मेरा इनाम मैं देखता हूँ इस शैतान को। ठीक है साहब, नमस्ते साहब।
नमस्ते। क्यों बे? बेशरम, बदतमीज, नीच, हरामी, शर्म नहीं आई बहन को मारते हुए? अरे तेरे जैसा कौन भाई होगा इस दुनिया में जो अपनी बहन को हलाल कर देगा? नीच, शर्म नहीं आई तुझे? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? कौन ऐसा भाई है साहब जो अपनी बहन की हत्या कर देगा? साहब मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं की है साहब। अच्छा, आंखों में धूल झोंक रहा है, बहन की हत्या नहीं किया, लाश लेकर भागा जा रहा था और बता रहा है कि बहन की हत्या नहीं किया, तुझे तो देखकर आंखों में खून उतर आया है। अरे पाजी पाजी, तू निकला चंडाल, पाजी तू निकला चंडाल, अरे बहन को तूने किया। भगवान का दिल में जरा खाई नहीं। अरे पाजी खींचू तेरी, पाजी खींचू तेरी का, अरे बहन को तूने किया। तो आता है कि तेरा गला दबा कर तेरी जान ले लूं, बहन को मारते हुए दर्द नहीं पैदा हुआ? साहब मेरी बात सुनिए साहब, आपसे साफ करो यार, आपसे बहन को ना पा। ऐसा कह कर के साहब दिल को दुखावो नहीं, और इस तरह से झूठा आरोप लगावो नहीं, मेरा रूठ गया करता, मेरा रूठ गया करता, बहन को मेरे ऊपर विश्वास कीजिए साहब, मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं किया है साहब। यानी तुमने अपनी बहन का खून नहीं किया? कमीना, बहन का खून नहीं किया लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, हर गीत छोड़ सकता नहीं, बंदी तुझे बनाऊंगा, भेज दूंगा जेल के अंदर, जीवन भर तुझे सड़ाऊंगा।
खींच लो पाजी तेरी खा, खींच लो पाजी तेरी खा, और बहन को तूने किया। अब तो तुझे जेल भेजूंगा, सारी जिंदगी जेल में सर जाएगा कमीना। तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। सब खा कसम भगवान की कहता साहब हकीकत मानिए और साक्षी मालिक है मेरा आप हकीकत जानिए। आपसे विनती बारंबार, आपसे विनती बारंबार, बहन को नाम जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए साहब, मुझे गोली मार दीजिए साहब, लेकिन मालिक की सौगंध खा करके कहता हूं साहब कि मैंने बहन का खून नहीं किया है साहब। अरे खूनी कब कहता है कि मैंने खून लिया, खून किया है? तू सोच रहा है इस तरह कह दूंगा तो तेरा गुनाह माफ हो जाएगा? कमीना, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। दरोगा जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चौकीदार, केवल तू लोग कहां मर गए? इस लाश को पोस्टमार्टम ले चलो। अच्छी बात है, जल्दी उठाओ। ऐसी दफा लगाऊंगा तेरे गुनाह की, ऐसी दफा लगाऊंगा जीवन भर जेल में सड़कर मर जाएगा। तो तुमने इतिहास में नाम कायम किया है, पहले इंसान हो इस दुनिया के जिसने अपनी बहन का खून कर दिया। क्या देख रहे हो लल्लू? हाँ साहब, हथकड़ी पहनाओ इसे। अच्छी बात है साहब, ले चलो थाने पर। एक एक राज ये गुलेगा कि क्यों मारा अपनी बहन को। ले चलो, तो बताता हूं इसे। आइए दरोगा जी। देखो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, लेकिन सब लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। ये बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है। अरे इसके दिल में दर्द कहा है, जो अपनों को नहीं समझा को गैरों को क्या समझेगा। इसलिए इसकी निगरानी तुम लोगों को जिम्मेदारी के साथ करना होगा। अखबार बता दो लल्लू, कई बार मैंने तुम्हें सोते हुए पकड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि सो जाओ इसकी निगरानी कायज न कर पाओ, इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। देखना इसे, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। लल्लू देखना ड्यूटी कहाँ दे देना, अगर ड्यूटी साल कोई लापरवाही किया तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना पूरा
पूरा का पूरा ड्यूटी मैं करूंगा साहब। और दारू मत पीना, समझ लेना। ना है साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, होशियार से रहना दोनों जने।